हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सलेंट क्लासेस। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की, जो आपका क्लास 12 की मैथमेटिक्स है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो गाइस, इससे पहले मैं इस चैनल पे यानी अरुण एक्सलेंट क्लासेस पे ऑलरेडी जो 4 चैप्टर्स हैं इसके पहले उसके एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, उनको अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे तो उनको भी देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स डाल रहा हूँ हर चैप्टर के, तो वो शॉर्ट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी देखना मिस मत करना। तो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी सेक एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4, वेयर एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड जी डैश रूट 2 इज इक्वल्स टू 4 इज, ये कितना आएगा ये आपको बताना है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, 4 ऑप्शन भी है आपके पास यहाँ पे, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपल एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा एफ डैश टेन एक्स, फिर आपको टेन एक्स का भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर आप ऑन में क्या कर दीजिए इस जी सेक एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जी डैश सेक एक्स इन टू में सेक एक्स टेन एक्स, राइट। अब मैं अगर लास्ट में x को भी डिफरेंशिएट करता तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना था 1 था, सेम अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता यहां भी कितना था 1 था। तो सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया, अब उसके बाद मुझे कहां पे किस वैल्यू पे निकालना है, जहां पे x की वैल्यू पाई बाय 4 है। अब x की वैल्यू यहां पे आप पाई बाय 4 रख दीजिए, तो ये एफ डैश कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा, अच्छा एक चीज और, पाई बाय 4 रखने से पहले थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है इसको, कोई नहीं मैंने यहाँ पे 10 पाई बाय 4 रख दिया, बट अगर मैं प्रोसेस को सॉल्व करूं तो ये sec x से एक बार sec x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा sec x अपॉन tan x, और sec x को आप लिख सकते हो कितना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos x, और tan x को मैं क्या लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, राइट। तो ऊपर तो 1 बचा, सॉरी हाँ ठीक है, ऊपर 1 बचा क्योंकि sec x को आपने क्या लिख दिया 1 अपॉन cos x, अब नीचे आपका क्या बचा साइन, नीचे आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो नीचे साइन एक्स बचा, तो ऊपर 1, और नीचे कितना बचा आपका जी डेस सेक, कहां पे निकालना है पाई बाय 4 पे निकालना है, तो ये पाई बाय 4 लिख दीजिए, और यहां पे आपका कितना बचेगा साइन एक्स बचेगा, और एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, तो यहां पे पाई बाय 4 पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, और जी डैश कितना है सेक पाई बाय 4, तो sec पाई बाय 4 कितना होता है आपका रूट 2, sec पाई बाय 4 मतलब sec 45, और sec 45 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो g रूट 2, और sin पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो f डैश 1 आपको गिवन है कितना है 2, तो यहां पे 2 आ गया, अपॉन g डैश रूट 2 कितना है 4, तो इसको आप 4 लिख दीजिए अपॉन में, और इनटू में 1 बाय रूट 2, तो 2 जा 4 ही आ गया, तो ये आपका देखो ऊपर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आपका आया 1 अपॉन 2 इनटू 1 बाय रूट 2, रूट 2 से इसको कट करेंगे तो रूट 2 टाइम्स कट होगा, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आराम से देखिए, और कुछ जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे लिखना या जैसे ही थोड़ा आपको हिंट मिलेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा देन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है इसका कि कितना निकल के आएगा। तो गाइज आपका जो x है और यहाँ पे y है ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म में जो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी x और y दोनों डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर, और जब इस केस में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे dy ओवर dx निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगा dy ओवर d थीटा अपॉन में dx ओवर d थीटा, यानी जो y वाला टर्म है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो x वाला टर्म है यानी जो आपका x वाला फंक्शन है इसको भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए कितना आता है चेक करते हैं इसको, तो x की वैल्यू a sin थीटा है तो a एज इट इज रहेगा, और sin थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा cos थीटा अपॉन, सॉरी एक गलती कर दी मैंने यहां पे, ऊपर dy ओवर थीटा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो ये आपका बी कॉस थीटा, तो बी तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब यहां पे डीएक्स ओवर डी थीटा आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए एज इट इज रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया माइनस का बी बाय ए, साइन थीटा कॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है। तो आपका डीवाई ओवर डीएक्स कितना निकल के आ गया माइनस का बी अपॉन ए टेन थीटा। अब आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, डी बाई डी एक्स का, तभी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा। इसी को आप क्या लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ये कितना आएगा डी बाई डी एक्स किसका, ये आपका किसका आएगा माइनस का बी अपॉन ए टेन थीटा। तो गाइस एक चीज नोट कीजिए, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहां पे थीटा है माइनस बी अपॉन ए तो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो जब आप टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और साथ ही साथ आपको थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। बट यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, आपने नॉर्मली क्या करा था साइन जैसे कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जब आप थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वन आएगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस का बी साइन थीटा लिखा, उसके बाद जब थीटा को मैं डिफरेंशिएट करता थीटा के रिस्पेक्ट में तो वन आता, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहां पे मैं एक टेन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे टेन थीटा को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। तो गाइस आपको डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास है क्या, मेरे पास है dx ओवर d थीटा, तो आपके पास dx ओवर d थीटा कितना है a cos थीटा, तो यहां से आप d थीटा ओवर dx निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन a cos थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा माइनस का b अपॉन a sec स्क्वायर थीटा और इनटू में कितना आ जाएगा 1 अपॉन a cos थीटा। तो फाइनली आंसर कितना बनेगा आपका नोटिस कीजिए माइनस का बी अपॉन ये ए इंटू ए ए स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और वन अपॉन cos थीटा कितना होता है गाइस sec थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है, माइनस सिर्फ एक ही वाले टर्म में आ रहा है यानी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर sec क्यूब थीटा, तो यही क्या है आपका आंसर है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन है आपका y is equals to nx upon x, यानी nx अल्फा क्या हो गया सिंपल log x हो गया। जब आपका e के बेस पे कोई चीज दी होती है तो उसको ln में लिखा जाता है राइट, तो सिंपल सी चीज है। देन द वैल्यू ऑफ y डबल डैश e इज, ये कितनी होगी आपको बतानी है। तो गाइस y डबल डैश का मतलब ये हो गया कि आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब आप क्या करेंगे, चार ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही होगा। अब वाई इज इक्वल टू कितना है एल एन एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कौन सा रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल, तो ये वाई डैश कितना आ जाएगा एक्स को ऊपर जाके छोड़ दीजिए, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वन अपॉन एक्स आएगा, फिर माइनस अब लॉग एक्स को छोड़ दीजिए इन टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा वन, और नीचे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई डैश कितना निकल के आ गया वन माइनस एल एन एक्स यानी लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको, तो ये वाई डबल डैश कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर को ऊपर जाके छोड़ दीजिए, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एल एन एक्स का कितना हो जाएगा वन बाय एक्स, फिर उसके बाद आपका कितना आएगा बीच में नेगेटिव साइन, और यहां पे मैं इसको यहां लिख देता हूं बीच में नेगेटिव साइन, फिर आप क्या करेंगे वन माइनस एल एन एक्स को छोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स टू दी पावर फोर, तो वाई डबल डैश कितना आ जाएगा ये कटा आपका तो कितना है माइनस का एक्स आया, फिर माइनस वन माइनस एल एन एक्स इंटू टू एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर राइट। अब आपका क्या हो रहा है देखो, अब आप कह सकते हो एक्स कॉमन लेके काट सकते हो, बट डायरेक्टली ई पे निकाल दो, यहां पे जहां पे एक्स है वहां पे ई पुट कर दो, तो ये माइनस का ई, फिर ये माइनस, ये वन माइनस एल एन ई हो जाएगा, एल एन ई का मतलब क्या है लॉग ई के बेस पे ई, एल एन ई का मतलब होता है लॉग ई के बेस पे ई की वैल्यू कितनी आती है वन, तो इसको आप वन कर सकते हैं और ये हो जाएगा टू इन टू ई और अपॉन में क्या आ जाएगा ई की पावर फोर राइट।
अभी वन माइनस वन है तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो, तो जीरो इंटू टू ई आपका फिर से जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ध्यान दीजिए माइनस का ई और ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई और अपॉन ई की पावर फोर और माइनस जीरो आप हटा दीजिए क्योंकि ई माइनस जीरो मतलब माइनस ई माइनस जीरो आपका माइनस ई बचेगा, ई से एक बार ये कैंसिल करेंगे आप तो माइनस का वन अपॉन ई क्यूब, तो आंसर कितना आ गया माइनस का वन अपॉन ई क्यूब। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, चलिए आगे। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो चार ऑप्शन आपके पास, अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं राइट। तो देखिए अब इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये y इज इक्वल्स टू कितना है टेन इनवर्स, अब यहां पे क्या कीजिए देखो एक तरीका बता दो, यहां पे आप ले लीजिए cos x कॉमन, तो जब आप cos x कॉमन लेंगे ध्यान दीजिए cos x कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने cos x से डिवाइड कर दिया, मैंने जब cos x बाहर लिया तो आप इसका मतलब cos x आपने कॉमन बाहर निकाला है, तो cos x जब कॉमन बाहर निकाला है इसका मतलब यह है कि आपने cos x से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x राइट। और नीचे में क्या कॉमन ले रहा हूं, देखो नीचे भी मैं cos x कॉमन ले रहा हूं, तो यहां भी आप cos x कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है क्या कि आपने cos x से डिवाइड कर दिया, तो cos x अपॉन cos x हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा sin x अपॉन cos x, अब cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x हो गया tan x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा tan x प्लस वन अपॉन cos x से cos x कैंसिल, तो वन माइनस sin x अपॉन cos x यानी tan x राइट, इसको ऐसे लिख लेंगे tan x। अब थोड़ा सा चेंज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स वन प्लस tan x अपॉन वन माइनस tan x ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने इतना नोट कर लिया होगा, अब इतना अगर नोट कर लिया है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके, अब मैं थोड़ा इसको सॉल्व करूंगा तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, आप लोग जरूर इसको नोट कर लें तभी आप इसको लिंक कर पाएंगे ठीक है। अब देखना अब इस tan इनवर्स यानी जो y इज इक्वल टू जो tan इनवर्स है, अब इस वन को तो ऐसे लिख दो, मतलब इस वन को मैं लिख रहा हूं यहां पर tan पाई बाय 4 क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और ये tan x आपका एज इट इज रहेगा और अपॉन में इस वन को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये फॉर्मुला में मैं कन्वर्ट करने वाला हूं माइनस अभी tan x से इनटू में वन कर दीजिए यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा tan x और इनटू में जो वन है इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 राइट। अब गाइस एक फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये आपका tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये tan a हो गया और ये tan b हो गया, तो गाइस क्या होता है फॉर्मूला आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, तो मैं इस पूरी चीज को इस तरह से लिख सकता हूं, तो यहां पे आपका क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बनेगा tan a कितना है आपका यहां पे पाई बाय 4 और b कितना है यहां पे x, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया tan पाई बाय 4 प्लस x का, तो tan वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस x, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा पाई बाय 4 तो क्या है कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 तो इसका मतलब क्या हो गया डी बाय डी एक्स कितना निकल के आ गया 1 के इक्वल निकल के आ गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और आपको समझ में जरूर आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 देन विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो गाइस अब आप नोटिस कीजिए एफ एक्स जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बल्कि कह सकते हो आप कि लीनियर फंक्शन है राइट, एक लाइन की इक्वेशन आपको यहां पे दिख रही है जैसे इसको आप देख सकते हो y इज इक्वल्स टू 2x राइट, तो y इज इक्वल्स टू 2x आपने देख लिया होगा कि एक लीनियर इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 राइट, तो ये आपका किस टाइप का फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कह सकते हो आप ठीक है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये जो आपका लीनियर फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आया। तो गाइस अगर कोई दो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उनका एडिशन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है,
मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपका ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो जहां भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आता है वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो एफ एक्स क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट। जी एक्स भी क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो गाइज जब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इनका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात आप नोट कर लें, राइट। क्या क्या चीज बोली मैंने, अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं और ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होंगे ही होंगे। और जब इनको ऐड करके जो नया फंक्शन आएगा, आपने दोनों को ऐड किया तो एक नया फंक्शन बनेगा, तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात करते हैं इनके डिवीजन की। तो गाइस इनका डिवीजन भी क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। कब, जब आपका एफ एक्स क्या ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या चीज है, आपका नॉट डिफाइन वाला केस है। तो गाइस ये भी कॉन्टिन्यूस होता कब, जब आपका एफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता। तो वैसा इसने यहां पे कुछ भी नहीं बोला है कि ये जीरो के इक्वल है या नहीं है, इसने सिर्फ ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इस वर्ड पे जाइए, कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो गाइज ये हो सकता है, अगर ये आपका एफ एक्स जीरो के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तब इसने यहां पे कैन बी वर्ड यूज किए, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको, तो जी एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन, और ये कितना है आपका 2x है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू नीचे आ जाएगा, तो पूछा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो गाइस ये फंक्शन भी क्या है, ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, बट कब, जब आपका 4x क्या ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, तो ये भी आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यानी 4x जीरो के इक्वल ना हो, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0/4, यानी कि x की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है, अगर x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बट ऐसा कुछ भी आपको बोला नहीं है, तो उसने सिर्फ इतना दिया है कि कौन सा फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो गाइज आपका अगर 4x 0 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो गाइज इसी वजह से, सिर्फ इसी एक लॉजिक की वजह से आपका ये जो फंक्शन है वो क्या रह जाएगा, मतलब ये जो ऑप्शन डी है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइज अगले क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x² / 4x - x³ इज, तो ये किस टाइप का फंक्शन है आपको बता दें, डिसकंटिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0, या फिर डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, या फिर नन ऑफ दीज। आपको ये चार ऑप्शन में से बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज यहां पे जो लोग बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज आई होगी कि हमें क्या पकड़ना है, यहां से हमने यहां पे क्या पकड़ना है, डिनोमिनेटर पकड़ना है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो एक चीज नोटिस कीजिए, तो कुछ लोग यहां पे क्या कहेंगे कि ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स की 3 वैल्यूज निकलेंगी, तो आंसर क्या होना चाहिए उनके हिसाब से, डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, राइट। तो गाइस ऐसा कभी भी जल्दीबाजी में दिमाग मत लगाइएगा, ऐसा होने के चांसेस होते हैं बट बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो पूरा आपको सॉल्व करना है, क्या पता ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस हो, क्या पता दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो, या क्या पता कभी एक बार नन ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। तो यहां पे आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो गाइस इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका 4 - x², और यहां पे आप जब x कॉमन लेंगे तो गाइस कितना आएगा, 4 - x² आएगा, नोटिस कीजिए। तो आप 4 - x² से 4 - x² को कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर कितना आएगा, 1/x। तो गाइस आपका जो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे नीचे दिख रही थी, तो अब खाली क्या बचा है, वहां पे x बचा है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो गाइस ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा, जब आपका x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ पहला वाला, डिसकंटिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0, तो यही क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। तो चाहे गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू cot x इज डिसकंटिन्यूस
ऑन द सेल्फ। तो गाइस डिसकंटीन्यूअस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सको, क्योंकि और भी जगह आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने को मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बताना है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स वाला जो पार्ट है ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो गाइस क्या है आपका सॉल्यूशन देखिए इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। तो ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब आपका साइन एक्स क्या हो जाए जीरो के इक्वल आ जाए तभी ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो गाइस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, अब अगर आपको याद हो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जब साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है तो उसके जनरल सॉल्यूशन क्या निकलते हैं। तो गाइस उस केस में इसके जनरल सॉल्यूशन होते हैं एक्स इक्वल्स टू एन पाई, जहां पे एन बिलोंग करता है किसको इंटीजर को, राइट। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में आपका एक्स इक्वल्स टू एन पाई आ रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ पहले ऑप्शन में। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए इसने पूछा होता कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स होता तो आपको बताना होता कि किस पार्ट में डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट, तब आप क्या करते हैं इसको आप लिखते साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आपका अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो यानी कॉस एक्स जीरो के इक्वल होता, जब कॉस एक्स जीरो के इक्वल होगा तो आपको पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन कितना निकल के आता है एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू में पाई बाई टू, जहां पे एन बिलोंग करता है इसको इंटीजर को, ये एन है आपका, राइट। तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता सी वाला, राइट। बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कॉट एक्स वाला यानी जे वाला पोर्शन, तो आपका आंसर क्या सही आएगा ऑप्शन ए। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यही फंक्शन आपका 2k के इक्वल है जब आपका x की वैल्यू कितनी है जीरो है, और आपको बोला गया है ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो फॉर, अब यहाँ पे k की वैल्यू दे रखी है यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब आपको k की किस वैल्यू के लिए आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आपको यहां से k की वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट, ठीक है। कि उसने बोल दिया कि जीरो का आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू कितनी होगी ये आप बताएंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी क्या है आपका जीरो प्लस एच है यानी ये आपका राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो। अगर आपका फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीज बराबर होनी चाहिए, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका जीरो, तो एफ जीरो प्लस एच एट लिमिट एफ जीरो प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो, ये होना चाहिए, राइट। तभी आपका फंक्शन जीरो पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड लिमिट लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, अगर मैं यहां पे मान लो राइट हैंड लिमिट ले लू तो यहां पे अगर मैं निकालू एफ जीरो प्लस एच, मतलब ये जीरो प्लस एच में आप इसको काउंट कर सकते हो, एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो एक्स जीरो से छोटा हो सकता है या फिर एक्स जीरो से बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं जीरो प्लस एच के लिए, तो यहां पे लिमिट एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे जो है कॉस जीरो प्लस एच, पूरे को मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं और मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो गाइस कितना आ जाएगा साइन जीरो प्लस एच यानी साइन एच हो गया अपॉन में भी एच आ जाएगा जीरो प्लस एच यानी एच लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ये कॉस एच हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो गाइस वैल्यू कितनी आएगी साइन एच अपॉन एच कितना हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू हो जाती है वन प्लस, अब h को जीरो की ओर टेंड कराएंगे तो cos जीरो किसके इक्वल आएगा ये भी वन के इक्वल आएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई टू के इक्वल आ गई, राइट। अब आपको क्या पता है कि जब आपका फंक्शन जीरो है f जीरो यानी ये आपको दे रखा है x इक्वल टू जीरो है तो आपका फंक्शन क्या है टू के इक्वल है, तो f जीरो कितना हो गया टू के डायरेक्टली, तो आपको पता है कि आपका f जीरो और f जीरो प्लस h
ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब आपको एल एच एल यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी तीनों बराबर होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। तो ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि आपको फंक्शन बोला है कि जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन टू और ये इक्वेशन वन। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, टू के इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू बाय टू, और वैल्यू कितनी आ गई के की, वन। तो ये के की वैल्यू वन कौन से ऑप्शन में, ये आपका पहले ऑप्शन में। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू टी क्यूब देन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है क्योंकि एक्स और वाई आपका दोनों टी पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहली चीज आप क्या करिए, आप dy ओवर dx निकालिए। तो ये कैसे निकालेंगे, dy ओवर dt। अब इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें थीटा का फंक्शन था, राइट, अब यहां पे t का फंक्शन है तो ये हो जाएगा dx ओवर dt। तो dy ओवर dt कितना आएगा गाइस, 3t स्क्वायर, और dx ओवर dt कितना निकल के आएगा, 2t। तो एक टी से टी कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 3t अपॉन 2, राइट। अब आपको निकालना है d बाई dx इसका, जो आपने भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है dy अपॉन dx का, और यही क्या बनेगा आपका, d2y टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो ये कितना आएगा, देखो d बाय अपॉन dx ऑफ व्हाट, 3t अपॉन 2, तो 3 बाई टू तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, t को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, dt ओवर dx, राइट, क्या हो जाएगा, dt ओवर dx। अब dt ओवर dx कहां से निकालेंगे, आपके पास कितना है dx ओवर dt है, आपके पास कितना है 2t के इक्वल। तो यहां से dx, यहां से dt ओवर dx कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 1 अपॉन 2t हो जाएगा। अब यहां पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, यही तो आप निकाल रहे हैं, तो 3 बाय 2 इन टू dt ओवर dx कितना आ गया, 1 अपॉन 2t। तो ये कितना आ गया, 3 आपका एज इट इज, और 2 टू जा 4 40, तो 3 बाय 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो गाइस करना क्या होता है सिंपली, इस क्वेश्चन में आपको फिर से बता दूं, आप पहले d बाई dx निकालेंगे, फिर आपको जो d बाई dx आएगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो जब उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म थी, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन था जो आपका, जैसे y और x दोनों t पे डिपेंडेंट है, तो आपका t क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपको क्या मिलेगी फॉर्म, एक डिफरेंशिएशन की फॉर्म मिलेगी जिसमें आपका पैरामेट्रिक वाला टर्म होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, जहां पे आपने dy ओवर dx निकाला है, तो वहां पे आपने dy ओवर dt निकाला है और dx ओवर dt निकाला है। तो यहां से मैं dx ओवर dt की हेल्प से dt अपॉन dx निकाल सकता हूं, और इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा, आपको आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल के आ जाएगा। तो उसी की हेल्प से आपको आंसर मिल गया 3 बाय 40। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ y इज इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x देन dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1, ये आपको बताना है कि किसके इक्वल आएगा। चार ऑप्शन आपके पास है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे y इज इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x है, तो गाइस sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वी ऑल नो, y डैश कितना आ जाएगा, sec x tan x। तो यहां पे sec और अंदर में इसको अगर x लेके चलूं तो ये sec x हो गया, इनटू में क्या आएगा आपका tan x, x यहां कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि मुझे सिंपली पता है कि जब मैं sec x को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये कितना आता है, sec x इनटू tan x, राइट। यहां पे x यहां कितना है, tan इनवर्स x है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, y डैश sec x tan x इनटू में एक और, क्योंकि आप चेन रूल लगा देंगे पूरा, तो d by dx इसका और निकालना पड़ेगा, tan इनवर्स x का d by dx और निकालना पड़ेगा। तो tan इनवर्स को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सिंपल। और ये कुछ इस तरह से आप याद रखते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर x है, x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 1। हालांकि इतना यहां तक भी आपने सॉल्व किया है तो इतना काफी है, बट पूरा इस तरीके से पता है कि लास्ट में आप x को भी डिफरेंशिएट करके 1 लिख रहे हैं, तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, राइट। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो आपका कितना आ गया, sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x इनटू tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आपको किस पे सॉल्व करना है, x की वैल्यू 1 पे आपको ये सॉल्व करना है। तो आपका y डैश, यानी y डैश है क्या आपका, dy ओवर dx एट x = 1, कितना आ जाएगा,
sec, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा इनटू tan, ये थोड़ा सा इस पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, मिक्सअप मत करिएगा, तो ये tan और इसमें आ जाएगा tan इनवर्स 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहेगा, सॉल्व करके मैं इसको यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो tan इनवर्स 1 कितना आता है 5/4, तो ये कितना हो जाएगा sec 5/4 और sec 5/4 कितना होता है √2, sec 5/4 को आप लिख सकते हो 1/cos 5/4, cos 5/4 कितना हो जाएगा cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और ये हो जाएगा 1/cos 5/4 यानी 1/√2 और जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा √2 आएगा, तो मैंने ओरली आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया है तो आप समझ गए होंगे इनटू, अब ये tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा pi by 4, तो ये tan pi by 4 कितना होगा tan pi by 4 यानी tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1, फिर ये अपॉन में कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया √2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2 अपॉन में √2 इनटू √2 लिख सकते हैं आप इसको, तो ये √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1/√2, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट है, तो आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे ढंग से समझ में आए होंगे, तो गाइस आपने अगर अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।